टर्बोप्रोप इंजन आ जाते हैं, इसे कंस्ट्रक्शन जान लेते हैं, तो टर्बोप्रोप इंजन, टर्बोशाफ्ट इंजन और टर्बोजेट इंजन भी इसे कहा जाता है, और ये कंप्रेसर, कंबशन चैम्बर, टर्बाइन और नोजल से मिलकर बना होता है। तो कंप्रेसर जो कि होता है वो एयर, इनलेट एयर को कंप्रेस करने के लिए यूज होता है, और कंबस्टन चैम्बर जो होता है वो कंप्रेस्ड एयर को फ्यूल में मिक्स करके बर्न करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कंबस्टन चैम्बर, कंबस्टन चैम्बर में फ्यूल बर्न होता है, और टर्बाइन जो होता है उसको, इसका यूज होता है जो एयर फ्यूल मिक्सचर को एक्सपेंड करने के लिए टर्बाइन का यूज होता है, और जो नोजल होता है इसमें एयर फ्यूल मिक्सर, एयर फ्यूल मिक्सर का एक्सपेंशन होता है इसमें भी। और बात जाता है इसके प्रिंसिपल और वर्किंग में, तो 80% एक्सपेंशन ऑफ जो गैस का एक्सपेंशन 80% होता है उसको इसमें हो जाता है, टर्बाइन में हो जाता है, और 20% एक्सपेंशन नोजल में हो जाता है। टर्बाइन कंप्रेसर और प्रोपेलर को रन करने के लिए एक पावर डेवलप करता है। प्रोपेलर और जेट प्रोड्यूस द्वारा जो नोजल एक फॉरवर्ड मोशन प्रोड्यूस करता है, जिसके द्वारा एयरक्राफ्ट आगे की ओर बढ़ता है, फॉरवर्ड मोशन बढ़ता है। और कंप्रेसर से पहले डिफ्यूजर का यूज होता है, इसलिए होता है कि मतलब पूरे टर्बोप्रोप की जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करने के लिए डिफ्यूजर का यूज कंप्रेसर से पहले किया जाता है। अब टर्बोप्रोप के एडवांटेज के बारे में जान लेते हैं कि इसमें टर्बोप्रोप सिस्टम एयरक्राफ्ट में यूज होता है, क्योंकि ये हल्का भी होता है और सिंपल डिजाइन में होता है, और टेक ऑफ के लिए हाई पावर प्रोवाइड करता है, और हाई एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करता है, और स्पीड 600